नरमू के वार्षिक अधिवेशन में रखी रनिंग स्टाफ के हित की बात। रनिंग स्टाफ से 8 घंटे काम लेने की मांग की। बरेली एनी रेलवे मजदूर यूनियन का वार्षिक अधिवेशन अध्यक्ष बसंत लाल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें बी एन सिंह, कामरान अहमद, मुकेश सक्सेना आदि के साथ रनिंग स्टाफ के कर्मचारियों ने गलिया कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बसंत चतुर्वेदी ने कहा कि रनिंग स्टाफ बड़ी जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी करता है, उसके ड्यूटी के घंटे 8 घंटे से ज्यादा न लिए जाए और कोरोना के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी बंद की जानी चाहिए और ब्रीज एनालिसिस खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रनिंग स्टाफ के हितों की रक्षा के लिए नरमू सदैव तैयार है और हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। और हमारा हौसला अफजाई किया तो चूंकि नरमू संगठन एक ऐसा है जिसमें एक बार जो आदमी रह जाता है वो भले ही सेवानिवृत्त हो जाए, नौकरी से तो हो सकता है परंतु अपनी सेवाओं देने से सेवानिवृत्त नहीं होता है, उसके दिल में ये लगन होती है कि मैं सेवानिवृत्त के बाद भी अपनी सेवा देता रहूं। तो दोस्तों जो अच्छे कार्य, मेरा नाम बसंत चतुर्वेदी है और मैं एनी रेलवे मजदूर का प्रेसिडेंट हूँ और ऑल इंडिया रेलवे में एसोसिएशन का जोनल सेक्रेटरी हूँ जी। ये हमारे रनिंग शाखा हमारी यहाँ बड़ी सिटी में है और वो पूरे आजाद नगर डिवीजन में जितनी भी रनिंग कर्मचारी हैं उनकी सामेकित ये हमारी रनिंग शाखा है, जिसमें से काशीपुर, लालकुआं, पीलीभीत, काठगोदाम, आपके फरुखाबाद, कासगंज, मथुरा, सीपीए, कानपुर अरबरगंज, इन तमाम जगहों से हमारे रनिंग कर्मचारी आज यहाँ पधारे हुए हैं और वो सिर्फ इस बात के लिए कि जो आज परिस्थितियाँ धीरे धीरे करके बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। रेलवे का निजीकरण एक हम लोगों के लिए चैलेंज है और उस पर भी हम लोगों ने आज विस्तृत चर्चा की। दूसरा ये कि जो रनिंग कर्मचारियों के लिए जो पहले गाड़ियाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती थीं, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती थी, आज वो 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही हैं, लेकिन उनके ड्यूटी आवर्स नहीं चेंज हुए हैं, जबकि उनका रनिंग जो आपका आपके जो ट्रेनों के स्पीड है वो बदल गए। तो आज आप समझ सकते हैं कि अगर 160 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चल रही होगी तो एक मिनट में वो कई किलोमीटर गाड़ी चलती है और उस हिसाब से उसकी अलर्टनेस और विजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एक ड्राइवर किस परिस्थितियों में गाड़ी चला रहा है। और जबकि वो आप जानते ही हैं कि हमारे देश में हर मतलब आप समझिए कि एक एक फरलांग पर एक आपका जो है लेवल क्रॉसिंग मिलेगा, चाहे अनमैंड लेवल क्रॉसिंग हो चाहे मैंड लेवल क्रॉसिंग हो। ऐसी परिस्थितियों में जो ड्राइवर हैं उनके ड्यूटी आवर्स कम होने चाहिए, ये हम लोगों की एयरअप की मांग है। उस पर एक कमेटी भी बनाई गई ड्यूटी आवर्स कम करने के लिए, काफ़ी इस पर मंथन भी हुआ लेकिन अभी तक वो साइन ऑन आप तक उसका 10 आवर्स ड्यूटी आवर्स है। हमारा ये कहना है कि कम से कम उनका साइन ऑन से साइन ऑफ तक उनके जो है मैक्सिमम 10 आवर्स होना चाहिए और 8 घंटे नॉर्मल ड्यूटी उनकी होनी चाहिए, ये हम लोगों की पहली मांग है इसमें इनकी। दूसरी बात कि इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो थोड़ी सी और बढ़ाई जाए रनिंग कर्मचारियों की, जो जिससे कि इनको स्ट्रेस फ्री ड्यूटी कर सकें, ये इनके ऊपर तनाव रहित ड्यूटी कर सकें, ये हम लोगों की प्रमुख मांग है। एक हमारा उद्देश्य आज को इस मीटिंग को बुलाने का एक और था कि सबसे ज़्यादा रनिंग कर्मचारी जो हैं वो इफ़ेक्टेड होते हैं आज के जो कोरोना वायरस विश्व की ये जो महामारी फैली हुई है। तो हमने डॉक्टर साहब, डॉक्टर चौहान हैं हमारे सीएमएस के माध्यम से, डॉक्टर चौहान यहाँ आए थे, जिन्होंने कोरोना के संबंध में किस तरह से उसका हम लोग बचाव करें, कैसे किन परिस्थितियों में कैसे रहें और किस तरह से हम उस महामारी से अपने आप को बचा सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी मांग हमारी अभी महाप्रबंधक से है और मंडल प्रबंधक से भी है कि अभी भी सब जगह पूरे भारतवर्ष में हर जगह आपका बायोमेट्रिक खत्म हो गया, ब्रीथ एनालाइजर खत्म हो गया, लेकिन आईजेड नगर डिवीजन में अभी भी ब्रीथ एनालाइजर यहाँ चल रहा है। एक ही ब्रीथ एनालाइजर से सारे कर्मचारी उसमें फूंक करके अल्कोहल की मात्रा तय अपने जो है पता करते हैं और वो यहाँ आज भी बायोमेट्रिक का यह यहाँ पर थम लगाया जा रहा है, जिससे कि कभी भी कोई इफेक्टेड हो सकता है। आज मैं डीआरएम से जरूर निश्चित, हमने एक पत्र भी डीआरएम को लिखा हुआ है और आज हम मंडलीय प्रबंधक महोदय से मिलकर के इस संबंध में निश्चित तौर पर कोई ना कोई निर्णय कराने का प्रयास करूंगा, जिससे कि ये हमारे जो रनिंग कर्मचारी हैं वो सुरक्षित हो सकें।